घमासान युद्ध हुआ, अंत में कोवलिया पीढ़ हाथी हार गया। और जब कंस से हाथी हार गया तो कंस चिल्लाने लगा, जरासंध, हार गया तुम्हारा हाथी, और कोई बहादुर हो तो उसे भी छोड़ दो, या फिर थोड़ी देर के लिए तुम ही आ जाओ। जरासंध कहने लगा, छप 15 बहने थी, 15 बहनों में 8 सगी बहने थी और 7 चाचा की लड़कियां थी। और 15 बहनों में कंस सबसे ज्यादा अपने चाचा की सबसे छोटी लड़की देवकी को मानता था। ये देवकी 7 बहने थी और ये 7 बहने वसुदेव को न्यायी नहीं थी, एक नहीं 7, 7 वसुदेव के साथ शादी हुई थी सबकी। पहले जे कोई नियम नहीं था कि शादी एक ही कर सकते हो, हम मनवा देते थे। तो पटेश्वर के पास सौरीपुर गांव में रहते थे। नंद की ससुराल कहां थी? फरुखाबाद में। यशोदा फरुखाबाद जिला की रहने वाली थी, वो गोकुल में ब्याही गई थी। राधा की मां कीर्ति कन्नौज के राजा भलंदन की लड़की थी, वो बरसाने में ब्याही गई थी। आओ उसी जगह घूम के जब 6 बहनों की शादी हो गई, कंस कहने लगा, बहनों ही वसुदेव, तुम तो जानते हो कि मैंने आज तक कभी किसी को दुखी नहीं देखा है। हम तुम्हारे परिवार और तुम्हारे विचार विहार करके हम अपनी छोटी बहन देवकी का विवाह तुम्हारे साथ करने के लिए जा रहे हैं, मगर इतना ध्यान रखना, हमारी बहन को कभी कोई कष्ट नहीं देने का है ना। बाद में देवकी से कहा, बहन तुम्हारी शादी हमने वसुदेव जी से तय की है, मगर ये ध्यान रखना मथुरा से बटेश्वर में पहुंच करके दबना नहीं किसी को, कोई कुछ भी कहे घमंड से कह देना तुम भगवान कंस की बहन हो, आकर के हमें बता देना, बटेश्वर से उठा लाएंगे, मथुरा में जिंदा दबा देंगे, लेकिन हम किसी को दुखी नहीं देंगे। का जाओ परात लेके आओ। देवकी के साथ शादी भाई, सबेरो भाओ देवकी की जिदा भाई, देवकी ससुराल को चली, लड़कियां गीत गाने लगी, देवकी भी बड़ी मगन है, ससुराल जा रही है। अध्याय दूसरे नेताजी से पूछा, क्यों वो भाषण कैसा रहा? दूसरे नेताजी बोले, भाषण तो बहुत अच्छा रहो, और जो पजम्मा पकड़े धाड़े की बोलो भर दो लगा। नेताजी बोले, तो पागल हो गया, पता लगता था छोड़ देते तो और पता लगता। उन्होंने भी क्यों कि स्टेज पे पहुंच नहीं पाए, उससे पहले तो पजम्मा का ने 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 टूट गया था। छोड़ने चला, आप
जिस बहन को इतने प्यार से छोड़ने जा रहा है, इसी बहन से जो आत्मा लड़का होगा उसी के हाथ से तू मारा जाएगा। जो कंस ने सुना भौंहें खिंच गई। देखो झूठ बोलते हो तुम, कंस समान है यवान, और अगर हमारी बहन देवकी का आत्मा लड़का मेरा काल बनेगा, मैं उसे बच्चा कोई नहीं रखेंगे जिसमें कोई फल आए और मेरे लिए कांटा बने। और उसके बाद बहन देवकी को रस्सी नीचे खींच लिया। क्षमा करना बहन, बिना मतलब के पाप नहीं होता, और जब जान पे नौबत आ जाती है तो सगे बेटे का पाप नहीं होता। थोड़ा को छोड़ करके अपने घर पे नहीं जाएगा, पत्नी की खातिर बच्चों से त्याग पसंद कर। मैं बच्चों को ला करके तुम्हें दे दे, मार देना चाहे छोड़ देना, ये तुम्हारी खुशी है। कंस के दिमाग में भी बात आ गई। कंस ने देव की बस देव को जेल में डाला और मथुरा का शासन करने लगा। धीरे 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 दोनों रोने लगे। तो वसुदेव ने देवकी को समझाया, तर ले दिल में धीर सबर कर की दिल को मैंने तुम्हारी कैसे जान बचाई थी, देवकी को रोते हुए छोड़ दिया। कंस बड़ा खुश हुआ, बाबा जी आज तो तुमने बुद्धि की किवाड़ी खोल दी, तो मैं तो मारे जाते। तुम बहुत अच्छे बाबा हो, बहुत अच्छे बाबा, इसीलिए मैं तुम्हारा आदर करता हूं कि तुम सबका उद्धार चाहते। से कहा तुम चलो गोकुल में और लड़की बनके तुम्हें जन्म लेना है, तो हम चले जेल में। आठ में गर्भ का नंबर आया, कंस ने सबको सतर्क किया, आ गया कुर्बानी का समय, आ गया ये आना खानी का समय नहीं है।